आप देख रहे हैं ये इंदौर भोपाल हाईवे एनर्जेटिक और यहाँ से निकला हुआ है। आपको मैं इस पर इतने एक्सीडेंट होते हैं यहाँ से लेकर वहाँ तक मैं आपको बताना चाहूँगा उसका कारण। आप देख रहे हैं यहाँ पर बाटल हंटर, यहाँ पर दारू की बाटलों का इतना ढेर लगा हुआ है, यहीं से वहीं तक आपको मैं बताना चाहूँगा। आप देखिए आप बताइए इधर, यहाँ से वहाँ तक अपन देखें अगर तो एक दो बोरी भर के यहाँ से बाटल मिलेगी। इतने दारू पीते लोग यहाँ से रखते हैं और एक्सीडेंट का कारण बनता है यही। बताइए जरा इधर कैमरा कर, पंगल लोग नशे में इतने धुत हो जाते हैं कि वो भूल जाते हैं वाहन चलाना। आप देख रहे हैं यहाँ 50 मीटर के दायरे में इतनी बाटलें पड़ी हुई है एक ही जगह पे। ये बाटल आपको जो बता रहे हैं हम डिस्पोजल बताइए जरा इधर, डिस्पोजल कांड किया इधर। तो आपने देखा कि 50 मीटर के दायरे में इतनी बाटल पड़ी, तो लोगों से मेरा एक ही निवेदन है अगर दारू पीना भी चाहते हैं तो सड़क पर या वाहन चलाते समय दारू ना पिए, एक जगह बैठकर या अपने घर के आसपास कहीं पी ले तो इससे एक्सीडेंट कम किए जा सकते हैं। हाँ दोस्तों, जैसा आप देख रहे हैं कि ये पेट्रोल पंप से लेकर ये भारत बाटल पड़ी हुई है, सारे बार इतनी बाटल पड़ी हुई तो पूरा हाईवे में इतनी बाटल पड़ी होगी। स्टार्ट इस 100 मीटर के दायरे में हो चुके हैं अभी तक कि कम से कम मेरी इतनी उम्र में मेरे इतने एक्सीडेंट यहाँ पर बाइक में देख पा रही। इस समस्या का उपाय यही होता है कि नशे का उपयोग करते हैं या दारू पीते हैं उनको कम से कम, और अभी ये लत दूर की जा सकती है।